अगर आपको इन डेप्थ दिखाऊं तो आप यहाँ से लुक देखो लाइक ये क्लॉक जनरेशन 5 है, पर आपने इसको कॉक करना है। हाँ। उसके बाद आप इसको फायर करते रहेंगे। फायर करो गाइस, एक बारी गन देखो आप भाई, काफी अच्छी बात है। इसको हमने वन टाइम कॉक करना है। एक बार फायर करके दिखाता हूँ तो देखो। जिनकी दिल्ली के अंदर गाइस करोड़ों का गन्स का कलेक्शन रखते हैं, बेसिकली वो गन्स में डील करते हैं। तो गाइस उन्होंने मेरे को बोला कि नितिन मेरे पास नया कलेक्शन है, तुम आ जा फटाफट, तेरे को सब गन्स दिखाता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या गन्स चल रही है आजकल मार्केट में। तो चलते गाइस एक आधा गन फायर करेंगे बढ़िया सी, और मैं सोच रहा हूँ एक पिस्टल मैं भी उनसे लूं और फिर रिएक्शन ले अपना थोड़ा ना, सोचता नहीं थोड़ा हवाबाजी होती दिल्ली वाले लोंडो के अंदर, तो वो वाली चीज करेंगे फिर। और भाई जो लोग भी मेरे ऐसे बंदे ना थोड़े जिनको मतलब थोड़ा शौक है इन सब चीजों का, भाई वीडियो ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, गैंग के साथ, सारे भाई गैंग वाले अपने साथ सामान लेके चलेंगे भाई फिर वैसे, ठीक है। तो अभी लैपटॉप पैक कर लेते हैं और फटाफट नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर जल्दी से निकलते हैं। चलो अभी फिलहाल हम लोग आ गए गाइस अपने लिए गन लेने के लिए, बहुत बड़ी जगह गाइस जहाँ पे करोड़ों का गन का कलेक्शन होने वाला है, तो तुम्हें पूरा दिखाता हूँ। और अपना जुगाड़ करा है सुजल भाई ने, भाई क्या सिस्टम क्या है वहाँ का, जा रहे भाई गन्स की कलेक्शन है गाइस, जो आज वाली वीडियो है ना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होने लगी जिनको गन्स का आर्म्स का बहुत ज्यादा शौक होता है ना, और मोस्टली लोगों को शौक होता ही है इन चीज का। तो एक गोली आज सुजल को मारूंगा और एक इनको मारूंगा, इसका चैनल ले लूंगा भाई, की सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा भाई, और मैं मेरे नाम हो जाएगा भाई। अभी अपन गाइस पहुंचने वाले जस्ट, वाह मोदी जी वाह। गाइस अभी फिलहाल मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि लास्ट टाइम मेरे थोड़ा सा माइनर से इंजरी हो गई थी, बट चलो फिर भी कोई ना, अपन वीडियो बनाने को आ गए तो अपन चल रहे गाइस आज यहाँ पे, चले भाई अंदर गन्स देखे। गाइस अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ एयर गन्स देखने के लिए, तो गगन भैया भैया गन्स देखनी है, मैंने सुना है आपके पास काफी बेस्ट कलेक्शन रहता है गन्स का, तो एक बार गन्स दिखाते आज। तो मैंने भैया को पहले फोन करके बता दिया भैया मैं आ रहा हूँ, और मेरे सामने गाइस यहाँ पे काफी मतलब नियर बाय 30-40 गन्स रखी पड़ी है। ये है गाइस कुछ स्टॉक, तो भैया क्या इनकी डिटेल है, कैसे कैसे क्या है, एक बारी अगर आपको इन डेप्थ दिखाऊं तो आप यहाँ से लुक देखो लाइक क्लोज टू ओरिजिनल गन इनको कह सकते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक गन लगती है, लेकिन ये CO2 गन्स है और इसके लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। भैया एक बारी डिटेल बताओ आप, इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्या प्राइस रहता है? भैया मेरे को तो सारे पसंद आ रहे हैं, बट ये वाला ग्लॉक आई थिंक ग्लॉक है ये वाला, तो इससे शुरू करते हैं भैया, ये वाला बताओ मेरे को आप एक बार। ये क्लॉक का एयर पिस्टल है, ठीक है, ये क्लॉक जनरेशन 5 है, क्लॉक जनरेशन 5 जी, इसके अंदर बीबीज आते हैं और ये ब्लोबैक होता है। अच्छा, ये ऐसे लोड होगा, फायर होगा, एक बार आपने इसको कॉक करना है। हाँ। उसके बाद आप इसको फायर करते रहेंगे, फायर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्लॉक जनरेशन 3, क्लॉक जनरेशन 4 और क्लॉक जनरेशन 5, मतलब तीनों मॉडल्स अवेलेबल हैं। ये आपका जनरेशन 4 है ये वाली, ये आपकी जनरेशन 5 है, 5 ये आपकी जनरेशन 3 है। अच्छा, तो ये मतलब इसमें सारी जनरेशन मिल जाएगी आपके पास, 3, 4, 5 सारी जनरेशन मिल जाएगी। 3 जो होती है इसके अंदर पैलेट्स और बीबीज दोनों लगते हैं। अच्छा, दोनों चीज एक साथ वर्क हो जाती है, और ये तीनों जो है ये तीनों ब्लोबैक सीरीज है। ब्लोबैक सीरीज का क्या मतलब होता है? मतलब जब आपका पैलेट चलेगा तो ये ऑटोमेटिक ऐसे पीछे, जैसे रियल पिस्टल आगे पीछे होता है वैसे ही मूव करेगा, आपको रियल वाली फील देगा। ये इनके अंदर क्या एक्सेसरीज डलती है, एक बारी कुछ एक्सेसरीज दिखाओ आप जो पता लगे लोगों को। इसके अंदर सबके अंदर ये सिलेंडर डलता है, ये वाला, ये उमर एक्स का सिलेंडर है 12 ग्राम का, ठीक है, ये प्रेशर देने के काम आता है। जितनी एयर पिस्टल्स हैं CO2 वाली, ये सब सिलेंडर से चलती है, बिना सिलेंडर के इसमें कोई प्रेशर नहीं आता और कोई आवाज नहीं आती, कोई आवाज नहीं। पैलेट्स भी अलग अलग शेप के आते हैं। अच्छा, ये वाले पैलेट्स, फ्लैट पैलेट्स आते हैं, ठीक है, कुछ ये पॉइंटेड पैलेट्स आते हैं, और ये वाली बुलेट्स भी फायर हो जाती है क्या? ये वाली बुलेट्स देखने में रियलिस्टिक फील देती है, लेकिन ये रिवॉल्वर्स में लगती है। अभी हम आपको दिखाते हैं, इसमें से कोई भी एक रिवॉल्वर उठाते हैं, ये रिवॉल्वर्स हैं। अच्छा, ये रिवॉल्वर शेप कहते हैं, ठीक है, ये जैसे इसके अंदर ये लगी हुई है। ओके, अच्छा, तो ये भैया पूरी रिवॉल्वर से बाहर हो जाएगी गोली, ये पूरी रिवॉल्वर से बाहर हो जाएगी। इसमें 6 शॉट रिवॉल्वर में आते हैं, 6 बुलेट्स डालेंगे और उसके बाद हम इसको ऐसे ऐसे फायर कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, और इसमें भी CO2 का सिलेंडर लगेगा, इसमें यहाँ पे CO2 का सिलेंडर लगेगा। ओके, तो गाइस एक बारी गन देखो आप भाई, काफी भैया अच्छी बात है, आई थिंक इसका वेट भी एक रियल गन के हिसाब से होगा, पूरा रियल गन के हिसाब से अराउंड 700 ग्राम 650 ग्राम भाई, मतलब गाइस ये वाली एकदम रियलिस्टिक लग रही है। लाइक अगर मैंने इसको कहीं, ये भैया एक चीज बताओ, मोस्टली खरीदते कौन है? लाइसेंस
इतनी आसानी से बनता नहीं है और लाइसेंस बनने के बाद भी आपको वेपन हैंडलिंग आनी चाहिए कि वेपन को कैसे हैंडल करते हैं। उस चीज के लिए ये एयरगन सबसे अच्छी है। अच्छा। आप उसको वेपन हैंडलिंग के लिए सीख सकते हैं, टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आगे आज की डेट में हमारे देश में शूटिंग कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा बहुत आएंगे तो वो ले सकते हैं। आप इसकी अपना आपने एम सेट करना है, आपने फन प्रैक्टिस करनी है तो आप ये वाले यूज करते हैं। स्मिथ एंड वेसन की रिवॉल्वर है हमारी, कौन सी कंपनी बताई? स्मिथ एंड वेसन, स्मिथ ये सेम रियल वेपन भी आता है। अच्छा। रियल रिवॉल्वर आते हैं स्मिथ एंड वेसन के। क्या बात। तो गाइस इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी प्यारी, इसकी फिनिशिंग गाइस काफी अच्छी है। और भैया ये जो मेटल है कौन सा मेटल है वैसे? ये अलॉय प्लस स्टील होता है, ये प्रॉपर प्योर मेटल। तो गाइस सबसे अच्छी बात ये सारी गन्स आप लोग यहाँ से खरीद भी सकते हो भैया के पास से। भैया पूरी इन गन्स के अंदर भैया होलसेल और रिटेल दोनों में डील करते हैं, होलसेल रिटेल दोनों में डील करते हैं, ऑल ओवर इंडिया सप्लाई भी करते हैं। नहीं होता, ये अलॉय प्लस स्टील होता है और ये टूटता नहीं है इतनी जल्दी। थोड़ा नॉलेज दो आपकी, मतलब कौन सी गन कैसे वर्क करती है और कैसे कैसे सिस्टम इनके अंदर डलता है? अगर जैसे हम ये गन उठा लेते हैं, ये आज की डेट में बहुत ज्यादा फेवरेट गन है। ये बहुत ज्यादा, ये वो वाली लग रही जो आई थिंक पुलिस इंस्पेक्टर्स भी रखते हैं। हाँ, पहले वैसे रखते थे, अब वो ग्लॉक सकते हैं, पहले यही रखते थे, पहले ये वाली थी। और डेटा की 92A1 है, डेटा की 92A1। ये भी बहुत हॉट सेलिंग मॉडल है। आप एक बार इसकी लुक्स देखिए, फिर मैं आपको इसके फीचर समझाऊंगा। इसका पुश बटन मैगजीन है, एक बार आपने बटन दबा के इसकी मैगजीन निकालनी है। ठीक है। इसका सिलेंडर जो है वो यहाँ से लोड होता है, एक एलन की आपको इसके साथ मिलती है। इस एलन की से आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, सिलेंडर डालेंगे और उसको टाइट कर देंगे और नीचे प्रेस करने के बाद यहाँ से आप इसमें स्टील बॉल्स डाल देंगे। स्टील बॉल्स, ये आपने एक बार इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, डन। उसके बाद आपने इसको वन टाइम कॉक करना है, वन टाइम पीछे है जी, और फिर उसके बाद वन टाइम आपने कॉक करना है। उसके बाद आप बस चलाते रहिए, टक 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 चलता रहेगा और उतने बुलेट्स बाहर जाती रहेंगी, वो पैलेट्स बाहर जाते रहेंगे। तो गाइस अभी अपने पास ये कुछ पैलेट्स आए, पैलेट्स ही बोलते भैया इनको, स्टील बॉल्स बोलते हैं, स्टील बॉल्स है, यही तो आगे गन से निकलती है। अच्छा, मतलब बुलेट कोई नहीं निकलेगी, सिर्फ ये निकलेगी। गन्स तो बहुत सारी है गाइस, मतलब काफी सारी गन्स देख ली भाई मैंने यहाँ पे और काफी बढ़िया स्टॉक रखा हुआ है। लगभग मेरे ख्याल से आपके पास छोटी बड़ी सब कैटेगरी की गन्स भैया पे अवेलेबल है। और अगर कोई और तुमने कहीं गन देखी हो ना, उसकी भी फोटो खींच के भैया से एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि उनके पास सब होती है। ये तो मतलब हम कह रहे हैं बहुत कमी स्टॉक दिखा रहे हैं, एक वीडियो में इतना सारा स्टॉक कैसे दिखा सकते हैं, वही ना। तो इसलिए भैया ने यहाँ पे बहुत लिमिटेड स्टॉक रखा हुआ है। उसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई गन हो ना किसी और वेबसाइट पे देखोगे और वीडियो में देखे तो वो भी वैसे कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना, मिल जाएगी। कौन सी वाली गन पे टेस्ट करे भैया? सर इसी को डाल लेते हैं, ब्रेटा, ब्रेटा को है, दबा के मैगजीन बाहर आ जाती है। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, स्पेस बन जाएगी। ओके, फिर ये सिलेंडर हमने लोड कर दिया वापस टाइट। इसको हम नीचे करेंगे, यहाँ से इसमें बीबी डलेंगी और इसका ब्लोबैक एक्शन दिखाएंगे। ये हमने इसको बंद कर दिया, इसको हमने वन टाइम कॉक करना है। तो गाइस ये वाली गन देखो भाई, ऐसे यूज होती है मतलब, और जब भी मैं इसके अंदर वो बीबीज डालूंगा तो बीबीज भी बाहर फायर होगी, बीबीज भी बाहर फायर होगी भाई। तो काफी इतना प्रेशर है कि आपको बाहर से इसमें प्रेशर प्रेशर दिख रहा है, मेरे आंखों पे दिख रहा है। वीडियो में फ्लो करके डालूंगा तो पता नहीं पूरी फ्लो दिखेगा एकदम होता। तो भाई काफी अच्छा है। और भैया एक चीज और, जैसे ये वर्क कर रही है वैसी सारी वर्क करेगी, वैसी सारी वर्क करेंगी। कुछ ब्लोबैक्स होती है, ब्लोबैक जो मैंने आपको समझाया था, हाँ, ये ऐसे कॉक होती है, और कुछ ब्लोबैक नहीं होती तो भी प्रेशर सब में थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होता है, ऐसे ही सिलेंडर लगता है और ऐसे ही फायर करेंगे। तो इसको गाइस एक बार फायर करके दिखाता हूँ, तो देखो गाइस अगर आप लोग भी यहाँ से गन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने अभी अपने लिए गन पसंद करी है। भैया हमारी डील डन है, मैं गन लेके जाऊंगा भैया से गाइस, एक बहुत ही अच्छी वाली, और इन्हीं में से कोई एक मॉडल गाइस मैं भी लूंगा। तो अगर आप लोग भी गाइस ऐसी कोई गन आपको पसंद आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई और भैया को पकड़ लेना। भैया कहां से पकड़ सकते हैं, आपको डिटेल बता दो आप मेरे को। तो गाइस ये वाला विजिटिंग कार्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी वीडियो में भी डिटेल्स आ रही है। गाइस अभी मैं आ गया हूं फिलहाल अपने स्कूल में भाई, और गाड़ी यहां खड़ी कर दी बल्ली भाई के साथ, यार बच्चों ने इसे पकड़ लिया, क्या हो गया भाई? अबे अभी से ऑटोग्राफ अंदर तो आन दो पहले। क्या भाई आज के टाइम एन के अलावा तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा भाई मेरे से तो उस पे। तो देखो ऐसा भाई पहले ना बहुत बेकार तैयारी, मैंने सुना, अब अच्छा हो गया भाई, स्कूल में बहुत अच्छा हो गया, बहुत जानते हैं स्कूल के, अब बहुत अच्छा हो गया गाइस। पहले से देख रहे हो पार्किंग की शेड लग गई, पहले यहाँ पे ना मैं ऐसी गुल्ली डंडा खेलते थे, बट अब ना बड़ा अच्छा हो गया। यहाँ ना इसके नीचे वाटर टैंक है, इसके नीचे वाटर टैंक है, पहले तो यही था, है ना, ये रहा देखो, ये रहा वाटर टैंक। भाई क्या चल रहा है, ये क्या चल गया भाई? बैंगन, बैंगन थोड़ी देर के लिए थी, तो यहाँ बैठे हम अपने स्टाफ रूम में भाई, कैसी हालत हो गई समझ रहे हो? पहले ना गाइस इस शहर में सरकारी स्कूल लगता था, बट अब इतना अच्छा हो गया ना सरकारी का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक इतना परफेक्ट हो गया, देख रहे हो, मतलब प्राइवेट स्कूल फेल भाई। तो भाई ये बच्चा है हाथ पे ऑटोग्राफ, हाथ पे ऑटोग्राफ होता है ऐसे करके देते हैं। अरे वाह, अरे वाह भाई, राम राम,
मैं हाथ में तो फैन भी नहीं चल रहा भाई कि क्या बन गया है भाई। एक तो भाई और हमारे एलिमिनेट रहे हैं नितिन जी, ये 2016 17 और 18 बैच है और अब ये सम्मानित करेंगे हमारे एथलेटिक्स में अच्छे प्रदर्शन करने वाले हमारे यंग स्पोर्ट्समैन। जोरदार तालियों से स्वागत करें, प्रोत्साहन करें रेहान अंसारी। भी अपन अंदर आ गए गाइस, तो बढ़िया फंक्शन चल रहा है भाई। तो भाई ये मेरा स्कूल है भाई, देखो भाई ये सारे मेरे स्कूल के बच्चे हो, देखो भाई फंक्शन चल रहा है। देखो भाई पहले तो अच्छे अच्छे डांस होते थे, अब क्या हो गया भाई, ये हम सब खराब सा हो गए। देखो भाई सभी देखो फंक्शन हो रहा है, जो चल रही है। मोदी जी आए, मिनी मोदी जी आए हमारे।